राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पायलट के बीच सियासी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। गहलोत पायलट को राजनीति के रण में चौतरफा परास्त करना चाहते हैं, ताकि फिर कोई दूसरा पायलट गहलोत से मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही एसीबी में भी एफआईआर दर्ज करा दी है। दोनों एजेंसियां हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर जांच कर रही हैं, जिसमें पायलट का नाम भी है। आरोप है कि पायलट बीजेपी से साठगांठ कर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल थे। अब गहलोत और पायलट की लड़ाई में एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कूद गई हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन किया और बीएसपी के साथ दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया है। अब जग जाहिर तौर पर फोन टैप करा के इन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। दरअसल एसओजी ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ऑडियो टेप में कथित रूप से नाम आने पर संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। गहलोत सरकार को गिराने के कथित षड्यंत्र वाले सोशल मीडिया पर वायरल हुए तीन ऑडियो टेप में से एक टेप में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह और संजय जैन के बीच कथित बातचीत के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार मायावती और बीजेपी के निशाने पर है। माना जा रहा है कि ये सब गहलोत की चाल है। वो विधायकों पर एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें डराकर पायलट गुट के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान सरकार अल्पमत में है और जल्द ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।